Hey guys, welcome back to CMA Junction. ये हमारी वीडियो सीरीज फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेशन का 32nd लेक्चर है, जिसमें हम अपना नेक्स्ट चैप्टर दैट इज टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स। मैम ये कौन सा चैप्टर है? आप अपनी बुक खोलिए इनडायरेक्ट टैक्सेशन की, उसमें आपको ये स्टडी नोट 6 में आपको ये दिखेगा टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स। मैम इसको क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? हम इसको इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा स्टडी नोट 3 है दैट इज टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसको पढ़ने के लिए हमको ये वाला चैप्टर दैट इज टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई खोल के देखेंगे तो उसमें ज़्यादातर सेक्शन नंबर 31 दैट इज़ रिलेटेड टू टैक्स इनवॉइस का डिस्कशन होगा। ठीक है, तो इसलिए हम उस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए इस चैप्टर को हमको पहले ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस क्या होता है? टैक्स इनवॉइस मतलब ऐसा इनवॉइस जिसमें टैक्स शो किया गया है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम इनवॉइस क्या होता है। इनवॉइस, एन इनवॉइस इज अ कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय अ सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू अ रिसिपिएंट। इनवॉइस क्या होता है? कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट, है ना। कमर्शियल मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शंस जो हम कर रहे हैं उसके लिए हम क्या इशू करते हैं? इनवॉइस। ये कौन इशू करता है? नॉर्मली सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज इनवॉइस इशू करता है। ठीक है, किसको इशू करता है? अपने कस्टमर्स को। इट आइडेंटिफाइज बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व्ड एंड लिस्ट डिस्क्राइब्स द आइटम सोल्ड और सर्विसेज सप्लाइज, क्वांटिफाइज द आइटम सोल्ड, शोज द डेट ऑफ शिपमेंट एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, प्राइजेज एंड डिस्काउंट्स इफ एनी, एंड द डिलीवरी एंड पेमेंट टर्म्स। देखिए क्या बोल रहा है, ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व है। आप इन्वॉइस देखेंगे तो उसमें लिखा रहेगा जो जिस भी बिजनेस से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसका नाम, कौन ये गुड्स और सर्विसेज ले रहा है उसका नाम लिखा रहेगा। तो दोनों पार्टी को आइडेंटिफाई करता है ये, और इसमें लिस्ट करता है, डिस्क्राइब करता है कि कौन कौन से गुड्स सोल्ड हुए हैं या सर्विसेज दी गई हैं। ठीक है, क्वांटिफाई करता है आइटम सोल्ड। देखिए सर्विसेज को तो हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, तो जो आप गुड्स सोल्ड आउट करेंगे उन गुड्स को ये क्या करता है? क्वांटिफाई करता है, मतलब बताता है कि कितने गुड्स खरीदे। जैसे मैंने 4 मैगी का पैकेट खरीदा तो वो क्वांटिफाई करेगा कि 4 मैगी पैकेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है शोज द डेट ऑफ शिपमेंट, कब आपने इसको शिपमेंट किया उसका डेट ये शो करता है, एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से इसको ट्रांसपोर्ट किया गया है। ठीक है, प्राइजेस शो करता है कि कितने प्राइस का आपने खरीदा, कितना डिस्काउंट दिया इफ एनी, एंड द डिलीवरी एंड पेमेंट टर्म्स, डिलीवरी के क्या टर्म्स होंगे, पेमेंट के क्या टर्म्स होंगे। जैसे आप ऑनलाइन सामान खरीदते हैं तो उसमें कैश ऑन डिलीवरी रहता है, या फिर आप अभी पेमेंट कर दीजिए आपको बाद में गुड्स मिल जाएंगे, वैसा रहता है। तो डिलीवरी एंड पेमेंट टर्म्स क्या रहेंगे वो भी इनवॉइस में लिखा होता है। ठीक है, अब देखिए अंडर द जीएसटी रेगिम, जीएसटी के अंदर इनवॉइस या फिर टैक्स इनवॉइस को कैसे डिफाइन किया गया है? टैक्स इनवॉइस रिफर टू इन सेक्शन 31 ऑफ CGST Act 2017। इसमें सिर्फ ये लिख दिया गया है कि सेक्शन नंबर 31 खोलिए, उसको पढ़िए, आपको पता चल जाएगा टैक्स इनवॉइस क्या होता है। ठीक है, अब देखिए आगे, दिस सेक्शन मैंडेट्स द इशुएंस ऑफ इनवॉइस और अ बिल ऑफ सप्लाई फॉर एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये सेक्शन आपको मैंडेटरी फॉलो करने बोलता है कि आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा या फिर बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा हर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए। टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई में क्या डिफरेंस है उसको हम देखेंगे आगे, थोड़े से क्लास हमारी आगे बढ़ेगी तो उसमें हम देखेंगे कि टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई में डिफरेंस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ओनली अ पर्सन सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज नीड टू इशू एन इनवॉइस। द GST law mandates that any registered person buying goods or services from an unregistered person also needs to issue payment voucher as well as tax invoice। देखिए हमने जब इनवॉइस की डेफिनेशन पढ़ी तो हमने क्या देखा कि सप्लायर जो है वो इशू करता है क्या? टैक्स इनवॉइस। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट बोल रहा है कि GST ऐसा मैंडेटरी नहीं करता है कि सप्लायर ही टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। अगर समझ लो सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तब क्या होगा? टैक्स इनवॉइस इशू ही नहीं होगी, इशू होगी। अब कौन करेगा? रिसिपिएंट इशू करेगा। अगर रिसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड है तो वो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। ठीक है, पेमेंट वाउचर भी इशू करेगा और पेमेंट वाउचर के साथ वो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। यही हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो बोलता है, वाउचर। ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ओनली अ पर्सन सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज, जो गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहा है वही आपको इनवॉइस इशू करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। जीएसटी लॉ मैंडेट करता है कि कोई रजिस्टर्ड पर्सन अगर गुड्स या सर्विसेज ले रहा है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से तो वो इशू करेगा, इशू पेमेंट वाउचर इशू करेगा और टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, ये पॉइंट्स को कंटिन्यू करेंगे। If a registered person is making or receiving supplies from unregistered person, then a tax invoice needs to be issued by a registered person। हमने ये देख लिया कि अगर registered person रिसीव कर रहा है सप्लाई किसी unregistered person से तो उसको tax invoice issue करनी पड़ती है, किसको? registered person को। However, if a registered person is dealing only in exempted supplies, अगर कोई registered person है लेकिन वो सिर्फ एग्जेम्प्टेड सप्लाइज में डील करता है या फिर वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर आता है, एग्जेम्प्टेड सप्लाइज में भी टैक्स आप कस्टमर से कलेक्ट नहीं करते हैं और कंपोजिशन स्कीम में है तो कंपोजिशन स्कीम में भी आप टैक्स कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकते, जितना भी टैक्स आएगा वो आपको खुद पेमेंट करना पड़ेगा। कंपोजिशन स्कीम देखना है अगर आपको क्या होता है तो आप सेकेंड चैप्टर की हमारी वीडियो सीरीज देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कंपोजिशन स्कीम होता क्या है। ठीक है, तो अगर आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर आ रहे हैं कोई रजिस्टर्ड पर्सन तो वो भी टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता है ना, लेकिन रजिस्टर्ड तो है, तो देन सच अ रजिस्टर्ड पर्सन नीड्स टू इशू अ बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, तब रजिस्टर्ड पर्सन को क्या इशू करना पड़ता है? बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है? बिल ऑफ सप्लाई is the bill for supply not including any tax। ठीक है, इसमें आपको जो आप बिल ऑफ सप्लाई रहता है उसमें आपको टैक्स नहीं दिखाता कि इसमें टैक्स लगा है। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं बिल ऑफ सप्लाई जब इशू होगा जब आप टैक्स नहीं लगा रहे हैं किसी भी चीज पे। ठीक है, तो कौन टैक्स नहीं लगाता? एग्जेम्प्टेड सप्लाई अगर कोई सब पर्सन सप्लाई करता है तब वो टैक्स नहीं लगाएगा, है ना। और अगर कंपोजिशन स्कीम में है तो वो कस्टमर से टैक्स चार्ज कर नहीं सकता है, उसको खुद टैक्स पे करना है। ठीक है, तो इन सब केसेस में क्या इशू करेगा? बिल ऑफ सप्लाई टैक्स इनवॉइस की जगह। ठीक है, अंडर जीएसटी अ टैक्स इनवॉइस इज एन एसेंशियल डॉक्यूमेंट फॉर द रिसिपिएंट टू अवेल आईटीसी। आईटीसी क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्रेडिट जो हम लेते हैं वो, अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए तो आपको क्या इशू करना पड़ेगा? टैक्स इनवॉइस। अगर मेरे हाथ में मैंने कहीं से गुड्स खरीदे, ठीक है, ये है सप्लायर, ये है रिसिपिएंट, रिसिपिएंट ने गुड्स खरीदे तो टैक्स भी पेमेंट की होगी। ठीक है, ये भी बिजनेसमैन है, ये भी बिजनेसमैन है। अब ये आगे बेचेगा, जब समझ लो सी को बेच रहा है, तब ये जब इसको बेचेगा तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है ना। इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर इसको लेना है तो इसके पास सप्लायर या रिसिपिएंट किसी ने भी इशू किया हुआ क्या होना चाहिए? टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। अगर टैक्स इनवॉइस नहीं रहेगा तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, गवर्नमेंट को सबूत चाहिए कि तुमने पेमेंट की है, तुमने टैक्स भरा है। अगर गवर्नमेंट को पता ही नहीं है, तुम बोलोगे हम आईटीसी क्लेम करने आए हैं, हमने वो खरीदा था, तो गवर्नमेंट ने पूछा टैक्स इनवॉइस है तो बोला नहीं है, तो आपको आईटीसी नहीं मिल सकता। ठीक है, आईटीसी अगर क्लेम करना है तो आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि आपने ट्रांजैक्शन किया है। ठीक है, नेक्स्ट, अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट अवेल आईटीसी अनलेस ही इज इन पोजिशन ऑफ अ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट। टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट होना चाहिए आपके पास, अगर नहीं है तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। जीएसटी इज चार्जेबल एट द टाइम ऑफ सप्लाई। जीएसटी कब लगता है? टाइम ऑफ सप्लाई में लगता है। इनवॉइस जो है एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि टाइम ऑफ सप्लाई कब था। ठीक है, अब हमको पता है नॉर्मल एक सप्लाई क्या होता है। सप्लाई मतलब गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई करना। ठीक है, लेकिन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या होता है वो हमको जानना जरूरी है सेक्शन 31 पढ़ने से पहले। ठीक है, तो देखिए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स मीन्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 32 आपको देखना है। अ सप्लाई ऑफ गुड्स विच इज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड कंटिन्यूसली और ऑन रिकरेंट बेसिस। ठीक है, मतलब ऐसा सप्लाई जो कि आप कंटिन्यूसली सप्लाई करने वाले हैं या फिर रिकरेंट बेसिस में लगातार सप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि समझ लो एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है बिल्डिंग। अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो उसको चाहिए ब्रिक्स, है ना, ब्रिक्स चाहिए, तो वो एक बार में पूरे जितने ब्रिक्स चाहिए वो एक बार में मंगा के तो नहीं रख सकता ना, इसका पूरा एक साल में बिल्डिंग बनेगा, ठीक है। और एक साल तक उसको हर महीने कितने ब्रिक्स चाहिए, समझ लो 1 लाख ब्रिक्स चाहिए टोटल, ठीक है। तो वो डिवाइड कर देगा 1 लाख ब्रिक्स को, हर महीने उसको एटलीस्ट 10,000 ब्रिक्स चाहिए, ठीक है। तो 10,000 ब्रिक्स वो हर महीने मंगा रहा है, तो कंटिन्यूस सप्लाई करवा रहा है, वो हर महीने उसको सप्लाई चाहिए गुड्स की, ठीक है। तो ऐसा अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है तो उसको क्या बोला जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स विच इज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड कंटिन्यूसली। तो उसका एग्जाम्पल हमने ये देखा, ठीक है। किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये जो बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर है उसने किससे कॉन्ट्रैक्ट किया, किससे कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्रिक्स वाले से, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ वेदर और नॉट बाय मीन्स ऑफ अ वायर केबल पाइपलाइन और अदर कंड्यूट, ठीक है। चाहे आप उसको क्या बोलते हैं वायर से ट्रांसफ़र करो, केबल से ट्रांसफ़र करो, पाइपलाइन से ट्रांसफ़र करो, या फिर ना करो, या फिर तुम किसी और अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से ट्रांसपोर्ट करो, चलेगा। फॉर विच द सप्लायर इन्वॉइसेस द रिसिपिएंट ऑन रेगुलर और पीरियोडिक बेसिस, उसके लिए जो आपका सप्लायर है वो आपको पीरियोडिक बेसिस में इन्वॉइस प्रोवाइड करता है, ठीक है। पीरियोडिक बेसिस मतलब जब जब सामान बेचता है तब तब वो क्या प्रोवाइड करता है आपको, इन्वॉइस। एंड इंक्लूड्स सप्लाई ऑफ सच गुड्स एज द गवर्नमेंट में सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज इट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई, और इसमें ऐसे गुड्स आएंगे जो कि गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी, ठीक है। तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स आपको समझ आ गया। नेक्स्ट है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस मीन्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 33, सप्लाई ऑफ सर्विस विच इज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड कंटिन्यूसली और ऑन रिकरेंट बेसिस। सेम है, यहाँ पे गुड्स लिखा था उसी की जगह हमने क्या कर दिया, सर्विसेज लिख दिया, और पूरा डेफिनेशन ये वाली सेम है। अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट इसमें भी था। अब देखिए, फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ्स, ये कम से कम 3 मंथ से ज़्यादा के लिए होना चाहिए, तभी हम इसको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। 3 मंथ से कम का सप्लाई है तो उसको नहीं माना जाएगा कि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है। विथ पीरियोडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन, पीरियोडिक पेमेंट भी होनी चाहिए, मतलब 1 महीने के बाद पेमेंट हुई, फिर 1 महीने के बाद पेमेंट हुई, तो पीरियोडिकली पेमेंट होनी चाहिए, ठीक है। एंड इंक्लूड्स सप्लाई ऑफ सच सर्विसेज एज द गवर्नमेंट नोटिफाइज, ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि इस सप्लाई ऑफ सर्विस को हमारे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है तो वो उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 31। सेक्शन नंबर 31 क्या है, टैक्स इनवॉइस इशूड बाय सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विसेज। टैक्स इनवॉइस कौन इशू कर रहा है, सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स या टैक्सेबल सर्विसेज, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सप्लायर की बात कर रहे हैं हम, सप्लायर ही टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, रिसिपिएंट इशू नहीं कर रहा है, ठीक है। अ टैक्स इनवॉइस शैल बी इशूड बाय रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज और बोथ। सच टैक्स इनवॉइस शैल शो द प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स। देखिए, टैक्स इनवॉइस क्या होता है, जो कि रजिस्टर्ड पर्सन इशू करेगा, किस चीज़ के लिए इशू करेगा, टैक्सेबल गुड्स के लिए या फिर सर्विसेज के लिए या फिर बोथ के लिए, ठीक है। उसके कुछ प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स होने चाहिए, मतलब उसके अंदर ये सब डिटेल्स इंक्लूडेड होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए वो हम बाद में जब हम रूल पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं टाइम लिमिट फॉर इशूएंस ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस इशू करने के लिए टाइम लिमिट क्या है, ठीक है। तो टाइम लिमिट फॉर इशूएंस ऑफ एन इनवॉइस वुड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सप्लाई। आपका सप्लाई किस टाइप का है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, वेदर इट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सर्विस। आपका सप्लाई ऑफ गुड्स है तो अलग रहेगा टाइम ऑफ इनवॉइस, टाइम लिमिट फॉर इनवॉइस, और अगर आपका सप्लाई ऑफ सर्विस है तो अलग रहेगा, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, अगर आपका सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं तो टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस क्या रहेगा। तो उसके लिए आपको सेक्शन नंबर 31 सबसेक्शन 1 ऑफ CGST एक्ट देखना पड़ेगा। देखिए, अगर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब आप जो सप्लाई कर रहे हैं उसके लिए मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है तो क्या होगा, और इन्वॉल्व नहीं है तो क्या होगा, ठीक है। सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड, यस है तो आप इधर आ जाइए, नो है तो आप इधर चले जाइए, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। मूवमेंट ऑफ गुड्स मतलब आपको गुड्स को ट्रांसफर करना पड़ेगा। जैसे मेरे को अगर सप्लाई करना है, मेरे को गुड्स को सप्लाई करना है तो मेरे को गुड्स को पहले मूवमेंट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा जहाँ भी मैंने रखा है वहाँ से, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप जाइए सेक्शन नंबर 31 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए ऑफ द CGST एक्ट 2017 में, ठीक है। इनवॉइस इशू बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई टू द रिसिपिएंट, ठीक है। आपको इनवॉइस कब इशू करनी पड़ेगी, बिफोर मतलब पहले, या फिर एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर द सप्लाई टू द रिसिपेंट। देखिए अब आप मूवमेंट कर रहे हैं गुड्स, मतलब समझ लीजिए मैंने वेयर हाउस में अपने गुड्स रखे हैं, ठीक है। अब वेयर हाउस से अगर मेरे को निकालना पड़ रहा है गुड्स को, तो मैं क्या कर रही हूँ, मूवमेंट कर रही हूँ गुड्स को। मूवमेंट मतलब हिलाना, हिला ही नहीं रहे हो, गुड्स को वहीं रखा है और सप्लाई हो जा रहा है तो अलग बात है, और अगर उनको आपको हिलाना पड़ रहा है सप्लाई करने के लिए, निकालना पड़ रहा है जिस उसकी जगह से, तो वो क्या है, मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है। मूवमेंट हो रहा है तो आप कीजिए इशू इनवॉइस बिफोर, पहले, या फिर एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, वेयर हाउस से जब आपने गुड्स को निकाला या फिर कहीं से भी आपने गुड्स को रिमूव किया, तो उस रिमूवल के टाइम पे आप क्या करो, इशू करो इनवॉइस, ठीक है। या तो उससे पहले या तो रिमूवल के टाइम पे आप इशू कर लो इनवॉइस, तो हमारा टाइम लिमिट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, नहीं हो रहा है, अगर आपके सप्लाई में मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं हो रहा है तो आपको जाना पड़ेगा सेक्शन नंबर 31 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी ऑफ द CGST एक्ट 2017। ये क्या बोलता है, इनवॉइस इशू करो बिफोर और एट द टाइम ऑफ, इशू करो बिफोर या फिर उस टाइम पे, कब के टाइम पे, डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब देखिए सप्लाई हो गया, बाद में हमको क्या करना पड़ेगा, डिलीवर करना पड़ेगा गुड्स, है ना। तो जब आप डिलीवरी कर रहे हो तब करो, इनवॉइस बनाओ, या फिर वाइल मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू द रिसिपिएंट, जब आप रिसिपिएंट को गुड्स अवेलेबल करा रहे हो तब आप क्या करो, इनवॉइस बनाओ, ठीक है। तो आपको अगर आप सेक्शन इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड हो रहा है तो आपको सेक्शन नंबर 31(1)(a) में जाना पड़ेगा, उसके अंदर है इनवॉइस इशू करो बिफोर या एट द टाइम ऑफ सप्लाई, रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई, और अगर आप मूवमेंट नहीं है तो सेक्शन नंबर 31(1)(b) में जाओ, जिसके अंदर इनवॉइस आपको इशू करने पड़ेगा बिफोर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और वाइल मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू द रिसिपिएंट। एकदम अच्छे से आपको इन सबको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सप्लाई अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है तो जाइए यहाँ इनवॉइस इशू करो बिफोर या एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है तो इनवॉइस इशू करो बिफोर या एट द टाइम ऑफ डिलीवरी कर रहे हो तब, या फिर जब तुम गुड्स अवेलेबल करा रहे हो रिसिपिएंट को तब, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई और सर्विस। अगर आप सप्लाई और सर्विस कर रहे हैं तब आपको क्या देखना है, ठीक है, टाइम लिमिट क्या रहेगी। सप्लाई और सर्विस कर रहे हैं, अगर सप्लाई और सर्विस बाय बैंकिंग और NBFC या फिर इंश्योरर कर रहा है, ठीक है। सप्लाई ऑफ सर्विस अगर बैंकिंग, NBFC या इंश्योरर कर रहा है तो आप यहाँ आ जाइए, इनवॉइस इशू करो आप बिफोर और विथ इन 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। जब आपने सप्लाई ऑफ सर्विस कर दिया उससे पहले करो या फिर उसके बाद 45 दिन के अंदर करो, ठीक है। क्या करना है, आपको इनवॉइस बनाना है। नेक्स्ट अगर आप बैंकिंग NBFC इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है, अगर आप वो हैं या फिर इंश्योरर हैं तो आप नो में आ जाइए, नहीं है तो आप इधर आ जाइए, इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और विथ इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई और सर्विस। अगर आप बैंकिंग NBFC या इंश्योरर नहीं है तो आपको इधर आ जाना है, इनवॉइस आपको कब इशू करना है, 30 days के अंदर, मतलब पहले इशू कर लो सप्लाई से या फिर 30 days के अंदर करो सप्लाई के बाद, ठीक है। नेक्स्ट है An insurer or a banking company or a financial institution, including NBFC, that is non-banking financial company, or a telecom operator or any other class of supplier or service as may be notified by the government on the recommendation of the council, making taxable supply or service between distinct persons as per section 25, may issue the invoice before at the time such supplier records the same in his books of account or before the expiry of the quarter during which the supply was made. देखिए अगर आप कोई इंश्योरर हैं, बैंकिंग कंपनी है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या फिर आप NBFC दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या फिर टेलीकॉम ऑपरेटर है, या फिर कोई और ऐसी क्लास ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस हैं जो कि गवर्नमेंट नोटिफाई करती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर आप वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं किसका, सर्विस का, तो आप किसके बीच में कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन सेक्शन 25 में हमने डेफिनेशन देखी थी। आप एक बार और अगर देखना चाहें तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, कौन से वीडियो लेक्चर में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट पर्सन को अगर आप सप्लाई कर रहे हैं तो आपको इशू करना पड़ेगा क्या, इनवॉइस इशू करो। कब इशू करना है, टाइम लिमिट क्या है, बिफोर या एट द टाइम सच सप्लायर रिकॉर्ड्स द सेम इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। जैसे सप्लायर कौन है, इंश्योरर, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब सप्लायर हैं। तो ये जब अपने बुक में रिकॉर्ड करेंगे उससे पहले या फिर जिस टाइम रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। या फिर दूसरा ऑप्शन है आपके पास, दूसरा ऑप्शन क्या है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर ड्यूरिंग विच द सप्लाई वॉज मेड, जब आपने सप्लाई की उस क्वार्टर के खत्म होने से पहले आप इनवॉइस इशू कर दीजिए। क्वार्टर समझ लीजिए आपका कब से कब का है, अप्रैल, मई, जून, एक क्वार्टर है, ठीक है। इस क्वार्टर में आपने अगर अप्रैल में ट्रांजैक्शन किया है तो जून खत्म हो गया, जून खत्म होने से पहले आप इसको क्या कीजिए, इनवॉइस बना लीजिए। या फिर मई में ट्रांजैक्शन किया है तो भी आपके लिए जून ही लिमिट रहेगी, क्योंकि क्वार्टर डिफाइंड रहता है एज पर टैक्स लिमिट्स, ठीक है। टैक्स के लिए इनवॉइस आपका क्वार्टर के अकॉर्डिंग ही बनना चाहिए। अप्रैल मई जून ही एक क्वार्टर है तो वही एक क्वार्टर रहेगा, उसके अलावा आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जून से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनवॉइस इशू करो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है, हमने सेक्शन नंबर 31 सबसेक्शन 1 दैट इज टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स देख लिया, और 31(2) दैट इज इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस देख लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम देखेंगे 31 सबसेक्शन 4। 31 सबसेक्शन 3 हम बाद में देखेंगे, अभी इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये टॉपिक 31 सबसेक्शन 3 थोड़ा बड़ा है और अलग टॉपिक है, ठीक है। इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स की हमने डेफिनेशन देख ली। अब देखिए आपको समझ आएगा हमने वो डेफिनेशन क्यों देखी, क्योंकि हम क्या पढ़ने वाले हैं, इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स आपको इनवॉइस का टाइम लिमिट क्या रहेगा। वेयर सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सक्सेसिव पेमेंट्स आर इन्वॉल्व। सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स मतलब हमने देखा कंटिन्यूस सप्लाई में आपको क्या करना पड़ता है, टैक्स इनवॉइस या इनवॉइस आपको रेगुलर पीरियड के अकॉर्डिंग आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स देंगे कि कितना अभी तक ट्रांसफर हो गया, कौन देगा, सप्लायर देगा। या फिर सक्सेसिव पेमेंट मिल रहा है, द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ईच सच स्टेटमेंट इज इशूड और ईच सच पेमेंट इज रिसीव्ड, ठीक है। आपको कब करना है, बिफोर या फिर एट द टाइम ऑफ, जब भी आप स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं या फिर सच पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। जैसे सप्लायर आपको इनवॉइस देगा, हमने सप्लायर वाला पढ़ रहे हैं, तो मैं अगर सप्लायर हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बिफोर या एट द टाइम ऑफ, जब मैं स्टेटमेंट उसको दूंगी, किसको, रिसीवर को, रिसिपिएंट को अगर मैं स्टेटमेंट दूंगी तो उस टाइम मेरे को इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। या फिर जब वो पेमेंट रिसीव करेगा, मतलब जब मैं पेमेंट रिसीव करूँगी, मेरे को पेमेंट करेगा, क्योंकि सप्लाई ऑफ सर्विस कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ, तो मेरे को जब पेमेंट मिलेगी तब मेरे को करना पड़ेगा इनवॉइस इशू, ठीक है। तो बिफोर करो, इससे पहले कर लो या फिर इस टाइम पे कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस में क्या होता है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। देखिए, वेयर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज एसर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, जब आपको जो कॉन्ट्रैक्ट किया है आपने उससे पता चल रहा है कि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या है, तो आपको इनवॉइस कब इशू करना है, इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। जब आपने ड्यू डेट ऑफ पेमेंट स्पेसिफाई कर दिए, जैसे मैंने ड्यू डेट ऑफ पेमेंट स्पेसिफाई कर दी कि 13 फ़रवरी आपका ड्यू डेट ऑफ पेमेंट रहेगा, ठीक है, तो उस डेट से पहले करो या उस दिन करो, आपको क्या करना है, इनवॉइस इशू करना है। ड्यू टू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट एसर्टेनेबल, आपने कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग पता नहीं चल रहा है कि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या होगी, ठीक है, तो आपको क्या करना है, द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम व्हेन सप्लायर ऑफ सर्विस रिसीव द पेमेंट। जैसे अगर मैं सप्लायर ऑफ सर्विस हूँ तो मैं जब रिसीव करूँगी पेमेंट उससे पहले या फिर उस टाइम पे आपको क्या करना है, इनवॉइस इशू करना है। पेमेंट इज लिंक्ड टू द कंप्लीशन ऑफ इवेंट। अगर ये काम जैसे सर्विस में डॉक्टर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर देगा, उसके पास फीस चार्ज करेगा, ऐसा है, ठीक है। तो पेमेंट क्या है, लिंक्ड है कंप्लीशन ऑफ इवेंट, अगर इवेंट कंप्लीट हो जाता है तब हम डॉक्टर को पेमेंट करेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो आपको क्या करना है, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट, अगर कंप्लीशन होने से पहले कर दूं या फिर उस दिन करो जब कंप्लीशन ऑफ इवेंट होगा, ठीक है, तब आपको क्या करना है, इनवॉइस इशू कर देना है। एकदम ध्यान से देखिए, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एसर्टेनेबल है तो ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एसर्टेनेबल नहीं है तो बिफोर या एट द टाइम व्हेन सप्लायर ऑफ सर्विस रिसीव्स द पेमेंट। पेमेंट अगर लिंक्ड है कंप्लीशन ऑफ इवेंट से तो ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, where supply of service ceases before its completion. देखिए सर्विस सप्लाई हो रही थी लेकिन बीच में उसको सीज कर दिया गया. जैसे आप लोग मेरे से क्लासेस ले रहे हैं और बीच में उस क्लासेस को आपने छोड़ दिया तो क्या हुआ, बीच में सीज हो गया. ठीक है, तो अगर कंप्लीट होने से पहले आपने वो क्लासेस छोड़ दी तो इन केस वेयर द सप्लाई ऑफ सर्विस सीजेज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ सप्लाई द इनवॉइस शैल बी इशूड एट द टाइम व्हेन द सप्लाई सीजेज एंड सच इनवॉइस शैल बी इशूड टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई मेड बिफोर सच सिचुएशन. देखिए अगर आप सप्लाई सर्विस कर रहे थे लेकिन वो सीज हो गई बीच में, ठीक है, कंप्लीशन होने से पहले. मैंने आपका सेकेंड चैप्टर कंप्लीट कराया लेकिन बाकी नहीं करा पाया, आपने मेरी क्लासेस छोड़ दी. ठीक है, अगर ऐसा किया, करना नहीं है, आपने अगर ऐसा किया तो बिफोर द कंप्लीशन ऑफ सप्लाई अगर आपने क्लासेस छोड़ दी तो इनवॉइस आपको क्या करना पड़ेगा, इशू करना पड़ेगा एट द टाइम व्हेन सप्लाई सीजेस. सप्लाई सीज होने से के टाइम पे आप क्या कीजिए, इनवॉइस इशू कर दीजिए. मैं उसी समय आपको इनवॉइस दे दूँगी, जाओ ले जाओ मत आओ. फिर उसके बाद when the supply ceases and such invoice shall be issued to the extent of the supply made before such cessation. उस cessation से पहले जितना भी मैंने पढ़ाया उसकी फीस चार्ज करूँगी मैं. अभी नहीं चार्ज करने वाली हूँ, अभी आप फ्री पढ़ रहे हैं. उसकी फीस चार्ज करूँगी मैं और उसके आगे की फीस चार्ज नहीं कर सकती क्योंकि उसके पहले तो सेस हो गया ना, खत्म हो गया. उससे उसके बाद कर सारा ट्रांजेक्शन. तो सच इनवॉइस शैल बी इशूड टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई. जितना सप्लाई हुआ है उतने के लिए इनवॉइस इशू कर दीजिए. उस टाइम पे कीजिए जब सीज हो गया. ठीक है, तो अगर सप्लाई और सर्विस सीज हो जाता है, ये सिर्फ सर्विस के लिए है, गुड्स के लिए नहीं है. सप्लाई और सर्विस सीज हो जाता है कंप्लीशन से पहले, तो जब सीज हुआ उस टाइम आप इनवॉइस इशू कर दीजिए. और इनवॉइस कितने के लिए इशू करना है, जितने टाइम तक सीज हो गया. जैसे 100 रुपीज़ की मैंने आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर दी तो 100 रुपीज़ ही चार्ज कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती. ठीक है, नेक्स्ट है गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस. देखिए मैंने आपको एक बुक भेजी, ठीक है, और मैंने बोला आप चाहें तो उसको रख सकते हैं और आप चाहें तो उसको रिटर्न कर सकते हैं और रखेंगे तो उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे. ठीक है, मैंने आपको भेजा ये बुक, देख लो, अगर तुमको अच्छी लगे तो आप ये रख लीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगे तो आप वापस कर सकते हैं. ठीक है, तो मैंने क्या भेजा, गुड्स भेजा ऑन सेल और रिटर्न बेसिस. सेल मतलब आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहें तो रिटर्न कर दीजिए. ठीक है, तो वेयर गुड्स बीइंग सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस एंड आर रिमूव्ड बिफोर द सप्लाई टेक्स प्लेस द इनवॉइस शैल बी इशूड. देखिए जब मैंने आपको गुड्स भेजे होंगे तो मैंने रिमूव तो कर लिया, अपने पास जहाँ पे स्टॉक मैंने रखा था वहाँ से मैंने गुड्स को निकाला तभी तो आपके पास भेजा ना. तो मैंने क्या किया, रिमूव तो कर लिया है. तो आपको इशू कब करना है इनवॉइस, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई. जब सप्लाई हो उसके टाइम पे करो या उससे पहले करो. जब आपने सेल कर दिया मतलब आपने मेरे गुड्स खरीद लिए, उस टाइम पे करो या फिर उससे पहले कर दो इनवॉइस इशू. या फिर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल. जब मैंने गुड्स निकाल के अपने वेयर हाउस से आपको दिए उसके 6 months के अंदर आप क्या कीजिए, इनवॉइस इशू कर दीजिए. 6 months के अंदर करना है, 6 months से आगे नहीं जाना है. 6 months के अंदर आपको क्या करना है, इनवॉइस इशू कर देना है. इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा, या तो टाइम ऑफ सप्लाई पहले आ गया या फिर अपने 6 महीने खत्म हो गए, तो ये दोनों में से जो अर्लियर होगा उस टाइम पे आपको क्या करना है, इनवॉइस इशू कर देना है. ठीक है, इसी के साथ जो हमारा सेक्शन नंबर 31 सबसेक्शन 1, 31 सबसेक्शन 2, 31 सबसेक्शन 4, 5 एंड 7 एंड 6 कंप्लीट होता है. कुछ इसके रूल्स हैं 31(1) एंड 31(2) के लिए, वो हम अगली क्लास में देखेंगे. ठीक है, और अगली क्लास में हम 31 सबसेक्शन 3 देखेंगे. आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं. आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो. अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स. So that's it. See you all in the next video.